कलर्स के सीरियल स्वाभिमान में एक नया मोड आया है। मेघना ने अपनी सांस का छुपा हुआ टैलेंट पहचाना है। वो टैलेंट क्या है हम आपको बताते हैं। सीरियल स्वाभिमान में हो रही है माता की चौकी, जिसमें मेघना और नैना की सासू मां निर्मला गा रही है गाना। दरअसल मेघना और नैना ने फैसला लिया था कि दोनों मिलकर निर्मला के टैलेंट को सबके सामने लाएंगी, जिसके चलते मेघना निर्मला को ले आती है माता की चौकी में और वहां करती है उनसे गाने की जिद। आपको बता दें कि निर्मला गाती है बहुत अच्छा गाना, मगर उन्होंने अब गाना छोड़ दिया है और ये बात पता लग गई है मेघना को, जिसके बाद मेघना ने शुरू की एक कोशिश जिसमें वो हो जाती है कामयाब। पहले तो मेघना की इस बात पर निर्मला कर देती है इनकार, लेकिन मेघना कहां मानने वालों में से है और फाइनली निर्मला मान ही जाती है गाना गाने को। एक्चुअली घर में नहीं है माता की चौकी। आप अभी आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि मेघना और नैना को पता चला है कि निर्मला जो है उन्होंने वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो ये तमन्ना के घर पे माता की चौकी हो रही है, जहाँ पर मैं उन्हें लेके आई हूँ। मैं चाहती वो अब पता नहीं क्यों वो उन्होंने गाना छोड़ दिया और दोबारा वो म्यूज़िक फिर से लेना नहीं चाहते हैं। तो बस ये एक कोशिश है कि वो दोबारा अपने दिल की जो इच्छा है, जो हमेशा करना चाहते थे, वो दोबारा से कर सके। तो उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी और सबके इंसिस्ट करने पर उन्होंने ढोलक बजाई है और वो बहुत ही अच्छी बजाई। तो वो देखकर सारे ही खुश हो गए थे और क्योंकि उनकी वो इच्छा पूरी हुई थी तो उन्हें रोना आ गया और एक इमोशनल मोमेंट था सास बहू के। एक्चुअली ट्विस्ट यहाँ पर यही था, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस चीज़ को हाथ लगाए, ढोलक को हाथ लगाए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट छुए या गाना गाने के लिए वो बिल्कुल ही डर गए थे। और अब वो भी क्यों हुआ है वो पता चलेगा व्यूअर्स को जब वो एपिसोड्स देखेंगे तब, कि ऐसी क्या बात है कि वो इतना ज़्यादा डर रही है और दोबारा गाना भी नहीं चाहती है। तो यहाँ पर एक अच्छा वाला ट्विस्ट था कि उन्होंने ढोलक बजाई। वहीं दूसरी तरफ करण दे रहे हैं खुद को सजा। दरअसल करण को बचपन से ऐसी बीमारी है जिसके चलते अगर वो किसी को छू लेते हैं तो उसे भी वो एलर्जी हो जाती है, और नैना के हाथों में वो एलर्जी देखकर करण को आ जाता है खुद पर गुस्सा और अपने हाथ को दीवार पर मारकर खुद को देने लगते हैं सजा। मुझे एक सरप्राइज मिला आज जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं नैना को सरप्राइज करने जा रहा था, बट हाँ मुझे दिखा कि नैना के हाथ में वैसी सेम पैचेस जैसे मेरे हाथ में आते हैं। तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरे छूने से नैना को मेरी एलर्जी चली गई है। और ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मतलब इन पूरी दुनिया में मुझे, मैं नहीं चाहूँगा कि नैना को कुछ होए और मेरी वजह स्पेशली हो गया, जो मैं हमेशा परहेज करता था बचपन से, आज तक किसी को छुआ नहीं, बट नैना को छुआ एंड इट हैपेंड। तो पगला गया मैं आज आपके सामने, वो अपने हाथों को तो तकलीफ दे रहे थे जी। एक्चुअली नैना को भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि एलर्जी, उसने भी मतलब उसके नोटिस में नहीं आई थी और उसका प्लान था कि वो नहीं पता लगने देगी, पर करण ने किसी तरह देख ली और उसके बाद जो उसका एक यू नो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन मतलब पहले गुस्सा और बहुत ही खतरनाक था, तो अपने आप को वो हर्ट करना चाहता है क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा कि उसके वजह से, मतलब ऑब्वियसली नोज की बात यहाँ तक नहीं पहुँचती अगर वो दोस्ती नहीं करता और जो भी, तो अभी कहीं ना कहीं वो अपने आप को गलत समझ रहा है जो कि जैसा है नहीं। वेल करण और नैना में अब जाके धीरे धीरे दोस्ती हुई थी और उसके बाद फिर से जो हुआ उसकी वजह से कहीं फिर से दोनों के बीच का रिश्ता बदल ना जाए, तो चलिए इन दोनों से ही जानते हैं। तो लास्टली कह सकते हैं कि जो दोस्ती से पहले का आप लोगों का जो दौर था, अब शायद घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे। एक रोलर कोस्टर है, वही तो नैना की टेंशन है कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया था और वापस बैक टू जीरो। लेट्स सी, आई डोंट थिंक ऐसा होगा क्योंकि अभी इंटेंट, अगर वैसा होगा भी तो थिंग्स विल बी डिफरेंट क्योंकि हम मतलब एक बार तो बॉन्ड कर चुके हैं। तो लेट्स सी। एनएमएफ न्यूज़ की रिपोर्ट।